अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने कहा चले ब्लॉग बना देती हूँ। तो सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में आज मैंने गोश्त बनाया था, बारीक बारीक काट के थोड़ा सा भून लिया था, साथ चाय और रोटी। और फिर मैंने की है सफाई। सफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने मंगवाया था दराज से चॉपर, ये वाला चॉपर मैंने मंगाया था तकरीबन एक हफ़्ता पहले, ऑर्डर किया था और 2-3 दिन हो गए यहाँ के। ये बहुत ज़रूरत की चीज़ थी, इसमें ज़रा आसानी हो जाती है आपको। और ये मैंने सोचा था मैं मंगाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मंगा लिया। कभी ऑमलेट बनाना हो जल्दी में, चाट बनाना हो या हांडी बनानी हो, तो इसमें काट के डाल दिए हैं तो इसको चलाया ज़रा जल्दी से हो जाते हैं। किसी टाइम लाइट पे नहीं होती तो बंदा पेस्ट बना ले, ग्राइंड कर ले, तो ये थोड़ा इजी रहता है। फिर मैंने बनाया था दिन का खाना, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। मैंने कहा चले ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आया था तकरीबन 450 तक आ गया था डिलीवरी चार्जेस समेत। और यहाँ पे मैंने बनाया था 4 गोश्त और साथ ही बना रही हूँ आलू और शिमला, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी गोश्त नहीं खाती। तो जिस दिन गोश्त बनाया हुआ हो तो घर में मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ इनके लिए। अभी ये बना रही हूँ, फिर हम लोग दिन का खाना खाया है और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए। बच्चियाँ लेटी हुई थी, कार्टून देख रही थी, और जुमेरात थी तो मैंने कहा चले ज़ियारत पे चले जाते हैं। मेरी जी जो छोटी बेटी है इसकी ज़ियारत मैंने मानी हुई थी, 7 बार मैं गई हूँ 7 जुमेरात। इसकी थोड़ा सा टांग में दर्द था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है। आखिरी रही थी तो मैंने कहा चले कुछ बना के ले जाती हूँ, दुआ भी कर लेंगे और फिर आखिरी जुमेरात भी हो जाएगी। वो नहीं है इधर, से एंटर हो गए और हमारे घर से ये तकरीबन 20 मिनट का ही रास्ते है चल के, आसानी से आ जाते हैं।
कैसा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।